श्रीराज नायर जी, ये जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक और सदस्य हैं, उनका कहना है कि अगर आप मुहर्रम को इस तरीके से रोक देंगे तो बाकी जितने भी बड़े त्यौहार हैं अलग अलग रिलीजन के, और अगर उनमें कोई यात्राएं जुलूस निकलती हैं, सब के सब आयोजन बंद कर दीजिए। देखिए, कोई किसी के मजहबी त्यौहार को रोकने की बात ही नहीं कर रहा है। बात यह हो रही है कि यहां पर जिस प्रकार से नारे लग रहे हैं, और ये जानबूझ के हिंदू समाज जो हमेशा शांति प्रिय रहा है उसको उकसाने के लिए और ये दंगे करवाने के लिए इस प्रकार की ये एक रचना है। हमने देखा इस बार के जो चुनाव हुए उससे इनसे और उत्तर प्रदेश के जिस प्रकार से इन लोगों ने पोलराइज करने में कामयाब हुए मुसलमानों को, क्या बात है, देश में देश का हिस्सा उत्तर प्रदेश का आतंकवाद चालू कर दिया उन्होंने, बताइए बाबू, ये बताओ देश में इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, वहाँ जो है कौन सा हिंदू मौजूद है, किस हिंदू पे जबरदस्ती कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं देश में बेटे राम के नारे लगवाते हैं, धर्म की बोलती है, एक मुसलमान जो है आप क्या बात कर रहे हो, देश में काम किया है इनका, सबका अच्छा इलाज होने वाला है, आप अरे इलाज किसका होगा, आचार्य विक्रमादित्य को भी रखिएगा स्क्रीन पर, आचार्य विक्रमादित्य। अब सवाल आ गया कि लॉ एंड ऑर्डर का, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो फिर सरकार आपकी, कानून आपका, प्रशासन आपका, आप कर क्या रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य। देखिए, कानून तो अपना कार्य कर रहा है, मुझे बताइए सारी विवाद किस बात पे शुरू हुआ। योगी जी ने एक गाइडलाइन निकाली मुहर्रम के लिए, और अरे सुन लो भाई, यहाँ योगी जी ने एक गाइडलाइन निकाली मुहर्रम के लिए, कांवड़ियों के लिए, आपकी समानता की बात करी, लेकिन यहाँ बैठ गई है राजनीति करने, इनको एक फार्मूला मिल गया है कि मुसलमानों के साथ काम करो, मुसलमानों के मूड बनाओ, उसके साथ से यहाँ बैठ गए, यहाँ बैठे हुए संविधान की पुस्तक लेके घूम रहे हैं, संविधान के अंदर एक विराजमान है, संविधान के राम का नाम लेना संविधान के खिलाफ नहीं है, राम का नाम लेना बिल्कुल, लेकिन यहाँ केवल हिंदुस्तान में रहना होगा तो यहाँ हुसैन बोलना पड़ेगा, ये वास्तविक तौर पर इस देश की आत्मा के खिलाफ है, आत्मा के खिलाफ है, ये सागर सिग्नल लाइन एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि इस देश को इस्लामीकरण करें और इस देश की बतावत पावर की बात करें। अरे भाई, जिसके ऊपर कूद रहे हो वही तुम्हारे नहीं रहेंगे, अरे वो अपने बाप के नहीं हुए, अपने भाई के नहीं हुए, साल से नफरत की बातें करके देश को इस कदर पहुंचाने के लिए आप रहे हैं, कल वो इन्हीं को दफन कर देंगे, कल इन्हीं को दफन कर देंगे, आपकी जमीन को खत्म कर दिया, इस्लाम का इतिहास रहा है कि जिन जिन के इस्लाम की सपोर्ट, शिवम त्यागी के पास मैं एक बार फिर से जा रहा हूं, शायद अब मेरे ख्याल से अब वो तकनीकी दिक्कत दूर हो गई होगी। हाँ शिवम त्यागी, अब यहां पर मसला उठा कि साहब आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, प्रशासन तो आपके अधीन है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, FIR दर्ज हो चुकी है, सारी चीजों पर काम हो रहा है, हम किसी को बख्शने वाले नहीं है, और ये जो आज का संविधान है, प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या, कोई लाभ नहीं, इसमें फेल हो गया, यहाँ पर फेल, अरे पागल हो गए हो क्या, इंटेलिजेंस क्या करेगी जब उसमें किसी को पता नहीं, आप इनको प्लीज रोकेंगे क्या, ये कोई लाभ नहीं है। भुवन जोशी जी, संविधान हाथ में आपने पकड़ रखी है, थोड़ा तो नियम कर लीजिए ना, बात होती है ना कि भाई आप सहमति चर्चा, मुझे मौका दीजिए, आप ही बोलते रहेंगे तो क्या बोलेगा, एक एक करके बोले, बार बार कह रहा हूं, एक एक करके बोले जी, शिवम प्रत्युजी मुझे मौका दीजिए, दिस इज रॉन्ग, थैंक यू। ये जो यहां पर संविधान लेकर बार बार कैमरा पर दिखा रहे हैं, इनकी अगर इनकी हिम्मत है तो इसी संविधान को जरा हाजिक खान की तरफ करके पूछे, संविधान पहले या उसका मजहब, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में, मैं तो संविधान मानता हूं, मैंने पहले बोल दिया मेरा देश है, बहस मत कीजिए, बात करते हैं, जो संविधान मानते हैं उनको कह रहे हैं कि संविधान दिखा दिया, वो संविधान नहीं मानता, हाजिक खान जो बराबर में खड़े हैं वो संविधान को नहीं मानते, पहले भाषण मत दीजिए, भाषण मत दीजिए, आपके पक्ष की कुछ है नहीं, राज्य आपने चले नहीं, प्रदेश आपने चला नहीं, भुवन जोशी जी, एक सेकंड, देखिए संविधान की किताब इनको दे दीजिए ना, हमारे संविधान आर्टिकल 19 आर्टिकल 29 में इस्लाम को फॉलो करवाया है, और कहा है हर मजहब का लोग
अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में, ये हमारे देश के संविधान ने कहा है। आप संविधान की शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, हर नागरिक के साथ उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक सा मामला करेंगे, लेकिन वो हिंदू और मुसलमान करते हैं, प्रधानमंत्री हिंदू और मुसलमान करते हैं, की बातें करते हैं, ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। हम संविधान की आस्था रखते हैं और संविधान की वजह से हमने धर्म को नहीं चुना, पाकिस्तान नहीं गए, पाकिस्तान धर्म की मर्यादा बना और हम हिंदुस्तान में इसलिए गए कि यहाँ सेकुलर मुल्क है, यहाँ भाईचारे का मुल्क है, ये गंगा जमीन चाहिए, अगर कार्रवाई होती है, अगर कार्रवाई होती है तो सबसे पहले AIMIM की तरफ से सबसे पहले विरोध दर्ज कराया जाएगा। अगर कार्रवाई होती है तो कहेंगे साहब कार्रवाई क्यों हो रही है, एक धर्मशिष के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है, जो लोग अगर नारे लगा रहे हैं भड़काओ, जो हाथ में फिलिस्तीन के झंडे लेके नारेबाजी कर रहे हैं, अगर कार्रवाई होती तो कहेंगे साहब मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, तो मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी। देखिए प्रत्युष जी, जब कार्रवाई होती है ना भाजपा शासित राज्यों में, वो एक तरफा कार्रवाई होती है, बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे निर्दोष लोगों को जेल में डालने की बात हो, और उस पर खुशियां मनाने के लिए VHP के अभी जो थे वो कह रहे थे बाबा का बुलडोजर चलेगा, क्या न्याय का प्रतीक हो सकता है बुलडोजर कभी? अगर आपको लगता है किसी ने गलत कार्य कराया, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। और जब से भाजपा सरकार आई है प्रत्युष जी, जब से पूरा देश खतरे में है, देश के युवाओं का रोजगार खतरे में है, महंगाई खतरे में है, हिंदू हमारे भाई खतरे में है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, अगर कोई सही है तो वो भाजपा के टीम के लोग हैं, क्योंकि इनके पास ऐसी चीजें हैं, ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें डालते ही सारे लोग धू जाते हैं। घर बनाने में इन्हें शर्म नहीं आती, लोगों का घर गिराने में, एक मुश्किल से जिंदगी में एक आदमी घर बनाता है, आप संविधान का कौन सी धारा, मेरी बात पूरी होगी या बीच में सब बोलते रहेंगे, संविधान की कौन सी धारा से लोगों का एनकाउंटर करते हैं, मेरी बात पूरी होगी या नहीं, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले अंग्रेज को बोलने दीजिए। हाँ, आज पीले रंग का हाफ जैकेट पहन रखा है, फब रहे हैं। हाँ बताइए बताइए, बढ़ते महंगाई खतरे में, देश पर बोझ बनते हैं, देश के संसाधनों पर बोझ बनते हैं। आप ये बताइए, जब प्रतियोगी दस, आप ये बताइए, जब हम त्योहार आता है गाइडलाइन आती है, मगर जब कावड़ यात्रा निकलती है या जागरण होता है या कोई धार्मिक यात्रा निकलती है, उस पर गाइडलाइन क्यों नहीं आती? मोदी जी वहां पर क्यों कार्रवाई नहीं करते जहां पर मुसलमानों को मारने और काटने की बात की जाती है और लोग उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं? अगर कोई लिंचिंग करता है तो भाजपा का नेता उनके फेवर में विरोध वो करते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रंगरेज भाई, ये नैरेटिव आपको बदलना पड़ेगा। आपने कहा कि मुसलमानों और इसी वजह से नागरिकता के आधार पर, रंगरेज भाई आपने कहा ना कि मुसलमानों की धार्मिक यात्रा पर, जरा मुझे बताइए तो कहां ताजिया जुलूस में पत्थर फेंका गया, कहां फेंका गया? रुकिए एक सेकंड, धार्मिक आयोजन ने पत्थर बरसाया गया, को जनता ने नकार दिया है, नकार दिया है जनता ने, यूपी की जनता ने उन्हें मैंडेट नहीं दिया, उन्हें हरा दिया है, तो आप वो हिंदू मुसलमान की राजनीति के अलावा उम्मीद करता हूं कट्टू जवाब चाहिए, लगे घुमाने भी बना रहे। चलिए मैं एक बार फिर से अजहरी साहब आपके पास आ रहा हूं। भाई दोनों पक्षों की तरफ से कई असामाजिक तत्व हैं जो कि भड़काव बयान देते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, इस बात को हर कोई मानेगा, लेकिन आप उस वक्त हिम्मत क्यों नहीं दिखाते जब अगर कोई हाथ में फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहा है मुहर्रम के जुलूस में? आप उस वक्त हिम्मत क्यों नहीं दिखाते, कहते कि साहब ये गलत है, जब ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो या हुसैन कहना होगा, आप कहिए कि गलत है, क्यों नहीं कहते? अगर आप इस बात को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, तो इस बात पर भी हिम्मत तो दिखाइए, थोड़ा कलेजा दिखाइए। आप जब बोलने का मौका देंगे, एकदम मौका, पूरा मौका, पूरा मौका है, बोलिए, मैं चुप हो गया। शिवम जी ने तो आगे कर रखा है, आप साफ लफ्जों में सुने, अगर सदन में खड़े होकर जिन सांसदों ने, मैं तो बोल ही नहीं रहा भैया, क्या हो गया शिवम त्यागी के बोलने से, बोलिए ना, वंदे मातरम कहना होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है।
बोलिए बोलिए अजहरी साहब बोलिए। वंदे मातरम से भी दिक्कत है, मुझे लग रहा है समाजवादी वालों को भी वंदे मातरम से दिक्कत है, बोल नहीं रहे, हंस रहे। वंदे मातरम की शुरुआत कीजिए, क्या बुरा है भाई? वंदे मातरम कोई धार्मिक नारा है क्या? संविधान कह रहे हैं, संविधान की जय हो गई है, देश में भी जय हो गई है, उपचुनाव में भी जय हो गई है। कोई बुराई नहीं है, संविधान बोलिए, उपचुनाव में भी जय संविधान हुआ, देश में भी जय संविधान। ये बताना नहीं है कि धर्म पहले या फिर देश, वो भाषण देंगे हमें। सबसे पहले संविधान है, सबसे पहले संविधान है, और पूछिए उनसे वो संविधान को पहले मानते हैं या अपने धर्म को भी पता चल जाएगा। अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक चल रहा है यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज राम ने नहीं खदेड़ दिया तुम्हें, अयोध्या से राम ने खदेड़ के फेंक दिया 50 किलोमीटर पर अजीत भाई, जिस राम को लेके आए थे प्रधानमंत्री, उस राम ने खदेड़ के फेंक दिया तुम्हें 50 किलोमीटर पर, हार गए। अभी बद्रीनाथ में भी खदेड़ गए, बद्रीनाथ में भी खदेड़ गया, हम सरकार में भाई, ये फलस्तीन में नहीं। तुम ये बताओ राम ने तुम्हें क्या पहुंचा दिया? फलस्तीन जिंदाबाद के खिलाफ सरकार जी ने मिला दी है, लेकिन तुम ये बताओ कि राम ने तुम्हें क्या खदेड़ के फेंक दिया? जो दुहाई दी जाती है कि देश संविधान से चलेगा, हम तो साफ संविधान को मानते हैं, हम तो देश के कानून को मानते हैं, तो अगर सरकारें नियम कायदा बनाती हैं तो उसको मानने में क्या गुरेज है, क्या दिक्कत है? मानना इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीति करनी है, लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। मुझे अभी बताया गया कि इस देश के, अभी कह रहे थे एक व्यक्ति बैठे हुए यहाँ पर, कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अरे जब मुसलमान इस देश के खिलाफ काम करेगा, इस देश के खिलाफ नारे लगाएगा, आप करोगे आपके खिलाफ भी होगी कार्रवाई, तो कोई भी करेगा, मुसलमान लगातार आज तिहाड़ का डाटा निकलवा लो, तिहाड़ के अंदर जितने भी क्रिमिनल केसेस में है ज्यादातर मुसलमान ही है। मुझे बताइए, डाटा जाके देख ले, हाजिक खान को दिक्कत है तो एक बार यात्रा कराए भैया, साधु उसमें ये भी बता दो, देश के साधु कितने हैं उसमें तिहार में, आसाराम कहाँ है, आसाराम नहीं कहाँ है, और अभी हुआ है कांडी कहाँ होंगे? अरे भैया आप अपनी बात करने की बात करो, सर आपकी भी पेट्रोली जाएगी जेल के अंदर जाएगा तो आप भी फंस जाओगे। संविधान ने कार्य किया नहीं किया, काम गलत मैं करूंगा, आप करोगे तो पकड़े जाओगे, करेगा ही करेगा, आप ही के लोग सारे काम खराब कर रहे हैं इस देश के अंदर। मुझे बताओ इस देश में बैठ के पिछले 20 साल का देश का माहौल खराब करने में आप नंबर 1 पर क्यों लगा रहे हैं भाई? नंबर 1 चैंपियन हो रहे हैं आप, देश का माहौल खराब करेंगे, संविधान का डंडा चलेगा ही चलेगा, चिंता ना मत करो, लाल होने को तैयारी है, लाल होगे अच्छे से, संविधान का डंडा हर एक जिंदगी पे चलेगा, हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान में लाल करेगा, चाहे वो किसी मजहब का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बातों से मानने वाले नहीं है, डंडे पड़ेंगे उससे सुधरने वाले हैं, इनका डंडे पड़ने का समय आया है। और आप जितने भी लोग, मैं कहूंगा टीवी के ऊपर भी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो फिलिस्तीन के बारे में साथ में खड़ा होता है, इस देश के खिलाफ बोलता है, टीवी में बोलने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर वही कार्रवाई अगर मुस्लिमों पर होती है तो उस वक्त आप ये भूल जाते हैं। अभी अभी रंगरेज साहब ने कहा ना, रंगरेज साहब ने कहा कि सारा एक्शन, सारी कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों? उन्होंने कर दिया ना सवाल कि मुसलमानों के खिलाफ ही क्यों प्रशासन और पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करे, किसी को पकड़े या बुलडोजर एक्शन हो, तो आप कहेंगे कि हमें टारगेट किया जा रहा है। कई हिंदुओं के भी घर टूटे, दुकान टूटे, कौन सी धारा के एतबार से तोड़ रहे हैं, कौन से संविधान की धारा के एतबार से तोड़ रहे हैं मकान जी? लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, हाँ। और इन्हें शर्म नहीं आती लोगों का घर गिराने में। तीसरी बार आपने शेर कह दिया, इसलिए कह दिया, हाँ। कि एक सारी जिंदगी में एक मकान बनाता है, हाँ। एक आदमी की गलती पे पूरे घर फैमिली को आप क्यों नहीं कहते बुलडोजर? तो आप ये बात क्यों नहीं कहते प्रत्युष जी, बुलडोजर एक्शन को बंद होना चाहिए? हमने कभी भी हिंदू मुसलमान संविधान अधिकार नहीं है किसी हिंदू का, मुसलमान का, किसी का तोड़। अब आप उसमें हिंदू भी जोड़ दिए सर, किसी भी मजहब के लोग, हिंदुस्तानी का, राष्ट्र के लोग। श्रीराज नायर, श्रीराज नायर, मतलब कि अब प्रशासन करे तो करे क्या कि साहब अगर बुलडोजर लेके निकलना है
और अगर कार्रवाई करनी है, अवैध अतिक्रमण गिराना है, तो सबसे पहले पूछ लिया जाए कि इसमें हिंदू कितने हैं, इसमें मुसलमान कितने हैं, उसके बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले ये आपराधिक मानसिकता को, ये आपराधिक मानसिकता को कौन कौन पनपा रहा है, कौन बढ़ा रहा है? ये मुल्ला मौलवी मदरसे जो है इस प्रकार से अपराधी तत्व आतंकी तत्व को पैदा कर रहे हैं, और शासन अपना काम कर रहे हैं, करेगी और करने वाली है। इससे पहले खूंखार दरिंदो ये जो शाहबुद्दीन और ये बाकी लोगों को निपटा दिया, तो ये जो चिल्लर आतंकी इनको भी निपटा देगी सरकार, बेफिक्र रहिए, ये सब निपटा निपट जाएंगे। ये जो समय बदल गया है, ये आतंकियों का कारण नहीं है, ये योगी जी और मोदी जी का समय है, ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर ये जिन लोग डरे हुए लोग हैं, मुसलमानों में नफरत पहचाने वालों, तुम्हारे हिंदू, अरे आप लोगों को निपटा दिया जाएगा, आप जितना भी जाहिलों को आतंकी बनाए इनको निपटा दिया जाएगा। आतंकी मुख्तार निपट गया, आतंकी निपट गए, शाहबुद्दीन निपट गए, तो ये चिल्लर आतंकी भी निपट जाएंगे, इनको भी निपटा दिया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आतंकी प्रवृत्ति रोकिए, सभ्य बनिए, कोई भी बुलडोजर की डरने की बात नहीं है, सभ्य समाज में सभ्यता के साथ कैसे किया जाता है, सिविलाइज कैसे रहा जाता है, अगर ऐसा रहेगा संविधान इंसान बनिए, मानव बनिए, इंसानियत जो सबसे बड़ा आरोप बीजेपी का चीज नहीं है, जो सबसे बड़ा आरोप बीजेपी का है कि जब अरे चलेगा बुलडोजर भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, हुकूमत थी, तुम लोगों को ठिकाने लगाया जाएगा, चिंता मत करो। एक वर्ग विशेष का, धर्म विशेष का खास ख्याल रखा जाता था। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, यही जो आज आतंकवादियों की बात करते हैं, यही तो भारतीय जनता पार्टी थी जो रेड कार्पेट पे बैठा के आतंकवादियों को कंधा की जब उत्तर समाजवादी आतंकवादियों को छुड़वाने कोर्ट गई थी कि नहीं गई थी, इसका खास ध्यान बात तो लॉ एंड ऑर्डर की हो रही है ना, आतंकवादियों का भी खास किसका इंटेलिजेंस फेल हुआ, आतंकवादियों की रिश्तेदारी बनाते हो क्योंकि वो मुसलमान है, उनको छुड़वाने जाते हो, कोर्ट से उनको बचाते हो, ये संविधान की शपथ लेके पूछिए मत, बताइए जवाब दीजिए, तो पूछिए पूछिए मत, आतंकवादियों को छुड़वाने क्यों गए थे, कहां पर गए आतंकवादियों को छुड़वाने क्यों गए थे, आतंकवादियों को छुड़वाने क्यों गए थे, बताइए जरा, वो माननीय मुख्यमंत्री आतंकवादियों की रिश्तेदारी बना रहे हैं, आतंकवादियों को बचा रहे हैं, आतंकवादियों को बचा रहे हैं। सर मैं आपसे मुहर्रम, मैं आपसे मुहर्रम पर सवाल कर रहा हूं, हाथरस पर जा रहा हूं, हम तो आपकी उसी बात पे कह रहे हैं, हाथरस की घटना में, हाथरस की घटना के बाद जो आज ये घटना पे जिसपे आप बहस चला रहे हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये संविधान, तो आप कंडेम कर रहे हैं ना अमेठी में जो नारा लगा, नहीं मैं कंडेम कर रहे हैं भाई, मैं सुन तो लीजिए मुझे, नहीं आप कंडेम कर रहे हैं, बोलिए ना सर, मैं बताऊंगा ना अपने बात, बताइए मैं ये वो नारा अच्छा है, अमेठी इंडोर्स कर रहे हैं उस नारे को, इंडोर्स कर रहे हैं उस नारे को, सहमति दे रहे हैं उस नारे पर, हाँ या ना, अमेठी अमेठी इंडोर्स कर रहे हैं, अमेठी कि नहीं, भुवन जोशी हाँ या ना, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में ये सामने नारा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, उत्तर प्रदेश में भुवन जोशी, भुवन जोशी फिर से चलाइए, फिर से चलाइए वो नारा, पुलिस की हाँ इस तरह की घटना थोड़ी सी हिम्मत दिखा देते, कह देते कि भाई अगर कोई ये कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है, हम तो संविधान के साथ है, अगर वो गलत है तो आप थोड़ी हिम्मत इसमें भी दिखा देते कि साहब ये गलत कह रहे हैं, मैंने इतनी बार पूछा, फुल स्क्रीन पे चला है ना, एक बार भी आपने कंडेम नहीं किया, चलिए संविधान का हनन हुआ है, ठीक है सर, ठीक है, अब समय इजाजत दे रहा है, इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।